नमस्कार, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9x में आप सभी का स्वागत है। पूरे बिहार में जहां कोरोना को लेकर सभी लोग डरे एवं सहमे हैं, इसी बीच बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने परिणाम सीधे वेबसाइट पर जारी कर दिया है। आपको बता दें कि स्टूडेंट भी यह ऑनलाइन नतीजे चेक कर पाएंगे। परीक्षा के नतीजे वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। स्टूडेंट अपने मोबाइल पर भी आसानी से इस नतीजों को चेक कर पाएंगे। नतीजे चेक करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर होना काफ़ी ज़रूरी है। इस बार कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस स्ट्रीम में कुल मिलाकर 80.44% स्टूडेंट पास हुए हैं। पिछले साल 89.67% पास हुए थे। साइंस स्ट्रीम में नेहा कुमारी ने 95.2% यानी कुल मिलाकर 476 अंक लाकर टॉप किया है। कॉमर्स स्ट्रीम में कौसर फातिमा और सुधांशु नारायण चौधरी ने 95.2% यानी कुल मिलाकर 476 नंबर लाकर टॉप किया है। वहीं आर्ट्स में साक्षी कुमारी ने 94.8% यानी 474 अंक लाकर टॉप किया है। इस बार साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में पूरे राज्य में बेटियों ने टॉप किया है। इंटर की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू हुई थी और 13 फरवरी तक चली थी। परीक्षा में प्रदेश भर के 1,25,390 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसके लिए प्रदेश भर में 1,283 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9x सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपना रिजल्ट बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ज़रूर देखें।